है हमारा पुराना गेमिंग माउस जो कि यहाँ से बहुत बड़ा स्टाइल में खुलता है और अब टाइम आ चुका है इसको चेंज करने का। तो हमने अमेजॉन से बाय कर लिया है नया गेमिंग माउस जिसके अंदर बहुत सारे आरजीबी बहुत सारे फीचर्स है, तो इस वीडियो के अंदर उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हमारे पिछले वाले माउस में भी आरजीबी थी जिसको पीछे से खोलने पे ये निकलती थी, देख सकते हैं आप। तो ये है इसका पैकेजिंग, तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है और इसके अंदर बबल रैप, ये है हमारी कैची, इससे ही हमारा गेमिंग माउस खुलेगा। सॉफ्टवेयर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये मुझे मिला अराउंड 425 में, अभी इसका रेट थोड़ा सा बढ़ चुका है तो बढ़ता घटता रहता है। ये इसका बिल है और ये आपके रेट में दिखा देता हूँ, 425 रुपीज़ ठीक है टोटल। और ये इसका पूरा बिल आप इसको रखते हैं साइड में। यह है लाइवटेक का माउस जो कि है आरजीबी गेमिंग माउस। पैकेजिंग इसकी ठीक ठाक सी है, इतनी कुछ खास पैकेजिंग है नहीं। ये खोलता तो एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा माउस पैड जो हम सदियों से यूज़ कर रहे हैं और बहुत पुराना हो चुका है ये लेकिन कल हमारे पास डबल एक्सेल साइज का एक बड़ा सा पूरे टेबल जितना बड़ा आरजीबी माउस पैड आने वाला है, तो इसको भी हम फेंक देंगे। अभी क्यों फेंका है? अब इसके अंदर से निकालते हैं एक महान माउस को बाहर। अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी बॉक्स के अंदर यूज़र मैनुअल आपको नहीं दिखता और बॉक्स के अंदर कुछ भी केबल नहीं है, क्योंकि आजकल जो कंपनी है सभी ऑनलाइन ही देती है और इसके ड्राइवर्स भी आपको डाउनलोड करने होंगे। ये है हमारा नया गेमिंग माउस, ये भी इधर भी एक बटन है ठीक है। और इसके साथ आपको मिलती है ब्रेडेड केबल जो कि क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगी, गोल्ड प्लेटेड यूएसबी केबल और क्वालिटी बहुत सही है केबल की। 1.5 मीटर लंबी है ये और इतना बड़ा है ये माउस, तो हमारा छोटे वाले माउस से भी इसको थोड़ा सा कंपेयर कर देते हैं। छोटा वाला माउस इधर है, छोटा माउस तो ये तो बहुत ही छोटा था, इससे थोड़ा सा बड़ा है हमारा नया माउस। ये सब आरजीबी है, आरजीबी में चालू करूँगा। अब सारे पोर्ट्स के बारे में बताऊँगा, ये दो बटन है, एक आगे का एक पीछे का, तो ये बटन तो अपन को सेट करने होते हैं जहाँ पे भी आपको चलाना है। ये है डीपीआई का बटन, 800, 1000, 1200, 1600, 6000, 400 तक इसकी डीपीआई है। ये है इसका स्क्रोल, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, इस तरह कोई बटन है नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटन तो ये है और नीचे एक बटन है आरजीबी कंट्रोल के लिए। ये है हमारा माउस, कल से करते हैं इसकी आरजीबी को टेस्ट और फिर देखेंगे कि सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है इसके, और सॉफ्टवेयर में आपको कई फीचर दिखेंगे जैसे आप इसको ऑफिस वर्क में यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। Now I gonna show you how to use LiveTech Gaming Mouse software. तो सबसे पहले आपको यहाँ सर्च कर देना है LiveTech Drivers, इसको सर्च कर देना है, फिर इनकी ऑफिशियल साइट आएगी LiveTech की, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इनकी साइट ओपन हो जाएगी आपको अपना जो माउस का मॉडल है वो सेलेक्ट कर देना है, बहुत सारे माउस है तो हमारा माउस का मॉडल है बोल्ड गेमिंग माउस, तो आप सिंपल क्लिक करना है डाउनलोड नाउ पे, जो डाउनलोड है वो सीधा स्टार्ट हो जाएगा। कुछ छोटी सी फाइल होगी, छोटी सी MB की, तो अब ये फाइल डाउनलोड हो रही है। 2.4 MB का इनका जो सॉफ्टवेयर है वो है, जब ये आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इसको कर देना है एक्सट्रैक्ट टू बोल्ड गेमिंग माउस, तो एक्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे आपके सामने ऐसा खुल के आ जाएगा, यहाँ पर जाके इसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल का प्रोसेस आप सभी को पता ही होता है, यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके लोकेशन सेलेक्ट कर इंस्टॉल कर देना है, मैंने हालांकि इसको पहले से एक्सट्रैक्ट कर रखा है। अब खोलते हैं इसके सॉफ्टवेयर को, तो ये है इसका सॉफ्टवेयर LiveTech बोल्ड गेमिंग। जैसे आप इसको ओपन करेंगे जो हमारा माउस है आपके सामने आ चुका है, इसके सारे बटन्स बता रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक नीचे है जो आरजीबी चेंज के लिए जो यहाँ पे नहीं दिखा रहे। यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि अगर आपको DPI से आपको इसको गेमिंग मोड या ऑफिस मोड पे लेके जाना है तो 3 सेकंड तक DPI को चालू करके रखना है। अभी हम इसको चला रहे हैं गेमिंग मोड पे और आप इसको ऑफलाइन मोड पे चलाना चाहते हैं ऑफिस मोड पे। अगर आप इसको ऑफिस मोड पे चलाना चाहते हैं तो ऑफिस मोड पे क्लिक करके अप्लाई पर क्लिक कर देना है।
और बाकी सारे चीज़ें हैं, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, आप इसको किस चीज़ में बदलना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। यहाँ से सेव प्रोफाइल, लोड प्रोफाइल और रीसेट, आप इसमें अलग अलग करके सेव करके भी रख सकते हैं, जिस समय आपको जो यूज़ करनी है उस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, जैसे हम पबजी के अंदर मैप करके या फिर पबजी के अंदर अलग अलग सेटिंग्स करके रखते हैं। एडवांस मोड पर जब आप जाओगे तो यहाँ से आप अपनी DPI चेंज कर सकते हैं, सीधा करके आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, आपकी DPI चेंज हो जाएगी। DPI के अंदर आपको कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है, मूविंग स्पीड, डबल क्लिक स्पीड, वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर आती है लाइट्स, जितनी भी लाइट्स है लाइट्स की स्पीड भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और लाइट्स के मोड, तो इन सारे लाइट्स के मोड जो भी करना है उसके ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, और ये जो लाइट चेंज होती है उसकी स्पीड आपको क्या रखनी है वो है। एक है ये मैक्रो स्पीड, तो इस मैक्रो के अंदर आप अलग अलग लिस्ट ज्वाइन करके कर सकते हैं, इतना मेरे को भी नहीं मालूम इसके बारे में। तो बस ये था इसका सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर का पूरा वीडियो यूट्यूब पे कोई देख सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार माउस है जो कि बहुत ही सस्ते रेट में मिल रहा है, 6400 तक इसमें DPI है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो आपको ये बड़े साइज़ का माउस पैड दिख रहा है इसका भी वीडियो बहुत ही जल्दी एक दो दिन में आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा इस माउस पैड की भी अनबॉक्सिंग देखने के लिए।